क्वेश्चन क्या आएगा स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ किसके माइनस एट के। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल्स टू माइनस एट, जो भी आपके पास फाइंड द क्यूब रूट की वैल्यू होगी उसको लेट करना होगा माइनस एट के। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि माइनस एट है इधर है माइनस एट, इधर आएगा प्लस का एट बन जाएगा, तो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू, ज़ीरो के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने ब्रैकेट को क्यूब लिख लिया, प्लस टू की पावर थ्री कितना होता है एट होता है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया है, एक्स क्यूब प्लस टू का पावर क्यूब, इस पर फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैंने इसको फार्मूले में बनाया है। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास ए वैल्यू है एक्स और बी वैल्यू है टू, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो आइदर कर लिया, और की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्या किया है, प्लस का टू है इधर आएगा माइनस का टू, हमारे पास एक एक्स की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, अब मुझे दूसरी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करना है फैक्टराइजेशन तो इसका पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा तो ए के साथ वन है, बी के साथ माइनस टू है, सी के साथ फोर है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है। ए की वैल्यू वन, बी इक्वल्स टू माइनस टू और सी इक्वल्स टू फोर हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए है। एक्स इक्वल्स टू, अब ये देखें ये बी की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस बी की जगह माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह वन सी की जगह फोर, और ए की जगह दोबारा से क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फोर माइनस सिक्सटीन तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, माइनस का ट्वेल्व आ जाएगा, और नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी टू आ जाएगी, ये रही मेरी, और टू प्लस माइनस देखें इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व, आपकी जो वैल्यू भी आए इसी तरह माइनस में, चाहे वो माइनस का 27 हो माइनस का 64 हो, जो भी वैल्यू होगी आपने इसके लिए क्या करना होगा, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जब ये करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, टू प्लस माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू। उसके बाद हमें पता है ये जो माइनस वन है ये वैल्यू यहाँ पे आपके किसके इक्वल है, माइनस वन किसके इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, तो ये आयोटा स्क्वायर 12 अपॉन टू टू प्लस माइनस। अब मैंने इसको आगे सॉल्व किया है, टू प्लस माइनस 12 को मैंने ब्रेक कर लिया, आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं 12 को, टू सिक्स टू थ्री एंड थ्री वन, इस तरह ब्रेक भी कर सकते हैं इसको, और टू प्लस माइनस आयोटा। अब जब मैंने ब्रेक किया इसको तो टू मेरे पास कितने थे पेयर, और आयोटा स्क्वायर का भी पेयर है, ये जब पेयर बन के बाहर आएगा तो एक आते हैं, जब रूट के अंदर होते हैं दो होते हैं, जब रूट के बाहर आएंगे तो सिर्फ एक बाहर वैल्यू आएगी। अब रह जाएगा थ्री, क्योंकि थ्री का तो पेयर है नहीं है, तो वो रूट के अंदर उसकी वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टू से टू कॉमन ले लें, टू से टू नीचे कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास रूट की वैल्यू का आएंगी एक्स माइनस टू, जो हमारे पास शुरू में वैल्यू थी अब ये देख सकते हैं, और x इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री, और x इक्वल्स टू वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री। स्टूडेंट्स दोबारा से बताता हूँ, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, फाइंड ऑल द क्यूब रूट, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपने सबसे पहले उसको इक्वल लेट कर लेना है, लेट के बाद आपने जो भी वैल्यू प्लस की है तो माइनस आ जाएगी, माइनस की है प्लस आ जाएगी, फिर आपने क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है, देन आपने क्या करना है आइदर और करना है, आइदर की वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक दूसरी वैल्यू होगी उसको सॉल्व नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन नहीं होगी, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे उसके अंदर रूट के अंदर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास माइनस की वैल्यू आएगी, जो माइनस की वैल्यू होगी आपके पास उसको मैंने इस तरह कुछ लिख लिया, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व, तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व लिख लिया,
ताकि माइनस वन इसलिए लिखा है ताकि आयोटा स्क्वायर आ सके। उसके बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 12 को मैंने ब्रेक कर लिया, इसको मैंने बाहर वैल्यू ले ली। आपको पता है कि जो हमारी वैल्यू होती है 2 बाहर आ सकता है, आयोटा स्क्वायर भी बाहर आ सकता है रूट के। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 प्लस माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन ले लें तो आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा। स्टूडेंट्स, इसी का ही आपका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है, 27 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27। पहला स्टेप जो हम करते थे, लेट करते थे, जो भी हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट होंगे इसके भी हमने क्या मालूम करने होंगे, क्यूब रूट, हमने क्यूब रूट इसके भी मालूम करने हैं। तो सबसे पहले प्लस का 27 था, इधर आएगा माइनस का 27 हो जाएगा। उसके बाद एक्स के ऊपर भी क्यूब है, 3 के ऊपर भी क्यूब है, ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल्स टू 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, अगर प्लस का होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ए की वैल्यू एक्स की इक्वल है बी की 3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3। ये सॉल्व दोबारा से नहीं होगी, अगेन हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए 1 बी 3 और सी 9 जो जनरल हमारे पास फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक के लिए। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, 2 1। अब 9, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 4 36, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब 36, 9 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। और माइनस का 3 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई किससे करवाया, 2 से, 2 1 2 जो मेरी वैल्यू आई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि ये माइनस का 27 है, इसको आप इस तरह लिखेंगे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 27। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। क्यूब रूट में आप इस तरह करेंगे, माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर 27 अपॉन 2, 27 के रूट निकल सकते हैं। आप इसको एलसीएम में लिख सकते हैं, कुछ एलसीएम बनाएं इस तरह, 27 पे एक ही टेबल जाएगा, 3 3 3 9 27 और 3 3, इस तरह आप कर सकते हैं इसको। अब ये देखें कितने मेरे पास 3 हैं, 3 हमारे पास 3 टाइम्स आया, आयोटा स्क्वायर 2 टाइम्स आए, तो जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं है वो अंदर रह जाएगा। क्योंकि ये तो पेयर बन के आ सकता है, लेकिन ये 3 एक ही रहेगा, इसका दूसरा कोई पेयर नहीं है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, कैंसिल नहीं हो सकता, ऊपर 3 है नीचे 2 है, मैं माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस तरह, माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल है, ओमेगा के, और माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के है। तो आप इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह मैंने इस यहाँ पे वैल्यू लिख भी लिए, यहाँ पे जिस तरह 3 कॉमन लिया तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये वाली आपकी ओमेगा के, और नीचे वाली वैल्यू माइनस की साथ है तो ये किसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक रूट हमारे पास 3 आया, दूसरा मेरे पास जो वैल्यू आई थी माइनस 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 आया है। ये कुछ आंसर इस तरह है। दोबारा से ये ज़रा ओमेगा का सुन लीजिएगा आप लोग, कि माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव किया भी था। और माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर के होता है। अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ और माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, 3 को कॉमन लेके माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, ये वाली वैल्यू मैंने ये बताया भी है किसके इक्वल है, ओमेगा के, और ये वाली वैल्यू बताइए मेरी ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ये इस तरह लिख लिया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और सिंपल फॉर्म में जिस तरह ये क्वेश्चन है आप इसको जस्ट सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस तरह, एक्स की वैल्यू 3 थी और यही वैल्यू, आप 3 को बाहर रहने दे, लिखें माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है।